तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें अर्थ पे से किसी दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया होता है। एंड तभी वहाँ पर एक प्रिंसेस आती हैं जो कि इन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये उनके हीरोज थे जो कि उनके राज्य को बचाने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन सभी बच्चों के स्किल्स को चेक करने लगता है कि उनके पास क्या क्या टैलेंट है, जिनमें से पहले लड़के के पास अच्छी तलवारबाजी की स्किल होती है और जो वो दोनों लड़कियां हैं वो सेक्रेट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि आइस मैजिक, लाइट मैजिक, इसी तरह के हर एक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड वहीं पर एक और लड़का खड़ा होता है क्योंकि वहां पर चार लोगों को समन कर लिया गया है। एंड जब वो आदमी इस लड़के की स्किल को चेक करता है तो हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम मुकोदा सुयोशी है, उम्र 27 साल और इसकी जो स्किल है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी, यानी कि दोस्तों ये कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी खाने का सामान। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और जब उसे अपनी स्किल के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद हमारे ही मेन कैरेक्टर के पास एक आदमी आता है जो उसे बोलता है आप सभी को मेरे साथ महाराज से मिलने के लिए चलना होगा। एंड उसके बाद हमें एक महाराज दिखाए जाते हैं जो कि किसी गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं और वो महाराज दूसरी दुनिया से आए सारे के सारे हीरो से बोल रहे हैं कि आपको डीमन किंग को हराना होगा और हमारे राज्य की हिफाजत करनी होगी। डीमन किंग के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे आप अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। महाराज ने जो इन दूसरी दुनिया से आए हुए बच्चों को काम दिया है उसके लिए वो तीन बच्चे तो मान जाते हैं डीमन किंग को हराने का काम। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपके कोई काम आ पाऊंगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है और इसके अलावा मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारा हीरो उस महल के बाहर आ गया होता है एंड उसे महाराज ने कुछ गोल्ड कॉइंस भी दिए हुए हैं जिनसे वो कुछ वक्त के लिए अपना गुजारा चला लेगा। जो आसपास के लोग थे वो सुयोशी के कपड़े देखकर उसे काफी अजीब कह रहे थे। सो उसके बाद सुयोशी एक दुकान में जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है जिनमें वो काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो एक जगह पर ठहरने के लिए एक कमरा लेता है किराए से। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सुयोशी उस महल से जल्दी से इसलिए आ गया क्योंकि उसे वो राजा कुछ अजीब सा लग रहा था और वो ये भी सोचता है कि उसे इस राज्य में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद सुयोशी अपनी स्किल ऑनलाइन ग्रोसरी को चेक करने लगता है। उसके बाद वो अपना लेवल देखता है जो कि 1 होता है। वो अपनी स्किल से कोई भी ऑनलाइन आइटम डिलीवर कर सकता है यहाँ पर एंड उसके पास जो ऑनलाइन ग्रोसरी है उसमें वो अपना कोई भी सामान रख सकता है, जितना चाहे उतना सामान। उसके बाद जब हमारा हीरो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है तो वो बिल्कुल किसी ऑनलाइन फूड साइट की तरह होती है। उसके बाद सुयोशी एक कॉपर का कॉइन अपनी उस फूड वेबसाइट में डालकर कुछ खाने को ऑर्डर करता है एंड उसके कुछ देर बाद ही उसका जो फूड है वो डिलीवर हो जाता है। ये देखकर सुयोशी काफी हैरान था लेकिन उसके बाद वो बड़े ही खुशी से वहाँ पर खाना खाने लगता है और वो सोचता है कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे रहेंगे तो मुझे भूखे मरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी इस दुनिया में। और उसके बाद वो उस राज्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ना चाहता है। के बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोशी कुछ बच्चों से इस राज्य को कैसे छोड़ा जाए वो पूछ रहा था। बच्चा उसे बताता है कि इस राज्य के बॉर्डर के पास ही एक कील्स नाम का टाउन है जिसमें आप जा सकते हो। बाद सुयोशी एक बग्घी वाले के पास आता है जो उसे दूसरे टाउन में लेकर जाएगा। उसके बाद हम वो घोड़ा गाड़ी देखते हैं जो कि पासी के टाउन कील्स में जा रही होती है। हम देखते हैं सुयोशी के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुयोशी पूछता है कि क्या आप उस टाउन में कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं। सो वो आदमी बताता है कि हाँ मैं कुछ सोप बेचने के लिए जा रहा हूँ। सुयोशी उस बूढ़े आदमी का इतना सामान देखकर उससे पूछता है कि आप अपना सामान आइटम बॉक्स में क्यों नहीं रख लेते। सो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि करोड़ों में से सिर्फ एक के पास ही आइटम बॉक्स होता है। सुयोशी पूछता है कि क्या आपके पास कोई अप्रेजर स्किल है। सो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि नहीं, सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हीरोज के पास ही इस टाइप की कुछ यूनिक स्किल्स होती हैं, ना कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास। ये बात सुनकर सुयोशी काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जो मैजिक आइटम होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसी वजह से कुछ बड़े ग्रुप्स या फिर राज्य ही उन्हें अपने पास रख सकते हैं, ना कि कोई नॉर्मल पर्सन। ये सारी बातें सुनकर सुयोशी सोचता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए।
उसके बाद वो बूढ़ा आदमी सुयोशी के कान में बोलता है कि तुमने वो राज्य छोड़कर ना बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि रेज सेगर राज्य में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं इस वक्त। यहाँ तक कि अफवाहों में तो ये तक कहा जा रहा है कि जो राज्य है ना वो जल्द ही अपने सारे बॉर्डर्स को बंद कर देगा और उस राज्य से आने जाने के जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये सुनकर सुयोशी काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सुयोशी एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो खड़ा होकर एक बोर्ड पर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि सारी ट्रेवल सर्विसेज अभी के लिए सस्पेंड हो चुकी हैं। उसके बाद सुयोशी कुछ आदमियों से ट्रेवल सर्विसेज सस्पेंड होने के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताते हैं कि अगर ज्यादा लोग इस राज्य को छोड़कर चले गए तो इस राज्य की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, जिससे सोल्जर्स की संख्या भी काफी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से युद्ध में हमें काफी ज्यादा हानि हो सकती है। एंड वो दोनों सुयोशी से बोलते हैं कि हमें युद्ध में जाने का कोई भी आनंद नहीं आता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ मॉन्स्टर्स का ही शिकार करते हैं, और सुयोशी को ये राज्य जल्दी छोड़ देना चाहिए। वो सुयोशी को ये नसीहत भी देते हैं। उसके बाद सुयोशी सोचता है कि उसने उस राज्य को छोड़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला लिया है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि एडवेंचरस गिल्ड होती है। एंड सुयोशी वहीं पर आया हुआ होता है। उसे वहाँ पर काफी अजीब लग रहा होता है उन सारे के सारे एडवेंचरस को देखकर, और वो यहाँ पर इसीलिए आया हुआ होता है ताकि उसके साथ उसे कुछ लोग मिल जाएं जो उसके आगे के सफर में उसका साथ दें और उसे मॉन्स्टर से बचाए रखें। वो लड़की बोलती है कि हाँ आप यहाँ पर ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद सुयोशी बोलता है क्योंकि कोई भी घोड़ा गाड़ी अब जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं वीनान किंगडम तक का ये सफर पैदल चलकर ही तय करूंगा। बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि इतने लंबे सफर के लिए आपको कम से कम 7 गोल्ड कॉइंस का रिवॉर्ड रखना होगा। सुयोशी उस बात सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या इतना महंगा। सो वो लड़की बोलती है क्योंकि घोड़ा गाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो बंद हो चुकी हैं कुछ टाइम के लिए। सो इसी तरह की रिक्वेस्ट को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को देख कर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको कम से कम 8 गोल्ड कॉइंस का रिवॉर्ड तो रखना ही चाहिए उन लोगों के लिए जो आपके साथ चलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार सुयोशी सबके लिए मान जाता है और वो पैसे जमा कर देता है। उसके बाद वो लड़की कुछ लोगों से पूछती है कि क्या आप इन महाशय का साथ देंगे इन्हें वीनान किंगडम तक पहुंचाने तक। उसके बाद वो आदमी अपना नाम वर्नर बताता है जो कि आयरन विल से है और वो एक सी रैंक एडवेंचरर है। उसके बाद सुयोशी बोलता है कि मेरा नाम मुकोदा है और मैं इस सफर के दौरान आपके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। खुशी की बात सुनकर वर्नर इस ऑफर का डिस्कशन अपने पार्टी मेंबर्स के साथ करता है और वो जाने के लिए तैयार होता है और वो बोलता है तो हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे अपने सफर पर। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्नर अपने सारे पार्टी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर जो उनका तलवारबाज है उसका नाम विंसेंट है। इस लड़की का नाम रीटा है जो कि हमारी जासूस है। तीसरे बंदे का नाम रामोन है जो कि एक जादूगर है और चौथी लड़की का नाम फ्रैंका है जो कि उनकी हीलर है। उसके बाद सुयोशी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो सब वीनान किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें हमारा सुयोशी उनके लिए लंच बनाता है। उसके बाद सुयोशी अपने आइटम बॉक्स में से खाना बनाने का सामान निकालने लगता है। ये देखकर विंसेंट पूछता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारे पास कोई सामान क्यों नहीं है ट्रेवल करते वक्त, तुम्हारे पास एक आइटम बॉक्स जो है। तभी रीटा सुयोशी के पास आती है और बोलती है कि ये मैजिक स्टोव तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जब सुयोशी एक दुकान में गया था वहाँ के दुकान मालिक ने हमारे सुयोशी को ये जादुई स्टोव दिखाया था और वो इस स्टोव को काफी आसानी से चला भी सकता था जिसकी कीमत 50 गोल्ड कॉइन थी। इसीलिए हमारे सुयोशी ने एक ज्यादा सही फैसला लिया और उसने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी से इस गैस स्टोव को खरीद लिया। उसके बाद सभी के सभी एडवेंचरस सुयोशी द्वारा बनाया गया खाना खाने लगते हैं और जैसे ही वो ये खाना का एक बाइट लेते हैं उन्हें ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो सभी सुयोशी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते वक्त रीटा को कुछ आवाजें आती हैं एक पेड़ से, सो तभी वो रुक जाते हैं और हम देखते हैं तभी अचानक उस पर कुछ मॉन्स्टर बग्स अटैक कर देती हैं। उन मॉन्स्टर बग्स को विंसेंट और वर्नर चुटकियों में हरा देते हैं। ये देखकर हमारा हीरो काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगली सुअर आ जाता है जिससे कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद बर्नर और विंसेंट उसे भी हरा देते हैं और उन्हें जो चोटें लगी थी उन्हें प्रियंका हील कर देती है। शी इन एडवेंचर्स की ताकत देखकर काफी हैरान था। उसके बाद वो सभी लोग उस जंगली सुअर के मांस को टुकड़ों में काट लेते हैं।
लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि इसका जो मीट है वो बहुत ज़्यादा है, सो वो उसे कैसे लेकर जाएंगे। सो सुयोशी उनसे बोलता है कि आप इसको मेरे आइटम बॉक्स में रख सकते हो। एंड उसके बाद शाम हो जाती है। सो सुयोशी बोलता है कि चलिए डिनर कर लेते हैं और इस बार आप सभी को उस ब्रेड से भी ज़्यादा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। एंड उसके बाद सुयोशी अपना खाना बनाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो सभी उसे घूर कर देख रहे होते हैं कि आखिर ये खाना बनाता कैसे है। सुयोशी को काफ़ी अजीब लग रहा था। सो सुयोशी उनसे कह देता है कि आप सभी मेरा इंतज़ार करना, मैं बस खाना बनाकर आ रहा हूँ। एंड उसके बाद सुयोशी सोच रहा था कि मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी के बारे में पता चले। उसके बाद सुयोशी कुछ थोड़े से मीट में बहुत सारी सब्जियां मिलाकर उनमें 55 प्रकार के मसाले डालकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। उसके बाद सुयोशी जब उन सभी को ये अपना वेजिटेबल सूप देता है तो वो सभी उस सूप को झटाझट पटापट पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। वो खाना उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने वो जो वेजिटेबल सूप है उसे कई बार पिया। अपने खाने की तारीफ सुनकर सुयोशी को भी काफी अच्छा लगता है और उन सभी को सुयोशी का खाना खाकर काफी पावरफुल फील हो रहा था। सुयोशी को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मैंने तो इसमें कुछ भी स्पेशल सप्लीमेंट नहीं डाला, तो आखिर इन सभी को ताकतवर महसूस क्यों हो रहा है। उसके बाद जब सुयोशी उन सभी का लेवल चेक करता है तो वो काफी तेजी से बढ़ रहा होता है खाना खाने के बाद। ये देखकर सुयोशी काफी हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद सुयोशी सोचने लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे द्वारा बनाए गए खाने से उनका जो लेवल और स्टेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरे साथ बहुत जुर्म और अत्याचार होगा, इसीलिए मुझे ये सब एक सीक्रेट रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें खाना खाते हुए कोई देख रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी अपने सफर पर फिर से जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उनका वीनान किंगडम तक का सफर कुछ दिनों तक और चलेगा। एंड ऐसे ही रात गुजर जाती है उन्हें चलते चलते। एंड वो अपना कैंप एक जगह पर बनाते हैं जहां पर रीटा पानी लेने के लिए जाती है, विंसेंट आग लगाता है और सुयोशी बोलता है कि जो जंगली सुअर का मांस हमें मिला था मैं उसे आज डिनर के लिए बनाने वाला हूं। उसके बाद सुयोशी डिनर बनाते हुए सोच रहा था कि मुझे अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी में से कम खाना इन लोगों को खिलाना चाहिए और इन्हीं की दुनिया का खाना इन्हें खिलाना चाहिए, वरना मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और सुयोशी इस जंगली सुअर के मांस में कुछ सॉस भी डाल देता है जिसकी वजह से खाना ज्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोशी के द्वारा बनाया गया खाना तैयार हो जाता है और वो खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो सभी अपना स्वादिष्ट खाना खा ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो सभी किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोशी के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरनाक वुल्फ बीस्ट था। एंड इस बीस्ट वुल्फ का नाम फेनरिर था। उसके बाद फेनरिर बोलता है कि तुम लोग ये जो खाना खा रहे हो वो मुझे खिलाओ, जिसके बाद सुयोशी उससे डर कर के पास जितना भी खाना था वो उस बीस्ट वुल्फ फेनरिर को दे देते हैं। सारा खाना वो बीस्ट वुल्फ एक ही बार में खा जाता है और बोलता है कि मुझे अभी भी भूख लगी है, जिसकी बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं आपके लिए और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। सुयोशी की बात सुनकर बीस्ट वुल्फ बोलता है जल्दी करो। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोशी बहुत ज्यादा तेजी रफ्तार के साथ खाना बनाने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वो बीस्ट वुल्फ एक ही बार में इतना सारा खाना खा जाता है और बोलता है कि मुझे और भी भूख लगी है, जिसके बाद सुयोशी फिर से खाना बनाता है और बेचारा बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खाना बना रहा था। इसके बाद बेचारा सुयोशी ऐसे ही बहुत कई बार खाना बनाता रहता है और वो बीस्ट वुल्फ ऐसे ही खाना खाता रहता है। हम देखते हैं सुयोशी उस वुल्फ बीस्ट के लिए खाना तब तक बनाता रहता है जब तक वो पूरा का पूरा मीट खत्म नहीं हो जाता और सुयोशी की कई सारी सॉसेस की जो बोतलें थी वो खाली हो जाती हैं। सुयोशी का हाथ का बना खाना खाकर वो बीस्ट वुल्फ फेनरिर बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सुयोशी को कुछ समझ में नहीं आता, सो वो फेनरिर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहता हूँ। फेनरिर की बात सुनकर सभी गिल्ड मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। उस फेनरिर की बात सुनकर सुयोशी सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीस्ट है ये इंसानी भाषा बोल सकता है और बर्नर का जो गिल्ड है वो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया है, मुझे इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। सुयोशी उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट वुल्फ फेनरिर उसे गुस्से में घूरने लगता है। के बाद सुयोशी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, सो वो गिल्ड मेंबर्स की तरफ देखता है जहां पर वो सभी हाँ में सिर घुमा देते हैं और सुयोशी सोचता है कि उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। उसके बाद सुयोशी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट वुल्फ और सुयोशी एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। उसके बाद बीस्ट वुल्फ बोलता है कि अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा और मेरे अच्छी सेहत का पूरा जिम्मा तुम्हें उठाना होगा। सुयोशी बोलता है कि क्या अच्छी सेहत का जिम्मा, जिसके बाद वो फेनरिर बोलता है कि हाँ तुम्हें मुझे दिन में 3 बार खाना खिलाना होगा, वो भी पेट भर के। उसकी बात सुनकर सुयोशी के तोते उड़ जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं फेनरिर बोलता है कि मैंने अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ बनाया है,
इसी वजह से अब मुझे तुम एक अच्छा सा नाम दो। जिसके बाद सुयोशी फेनरर को बहुत सारे नाम बताता है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। लेकिन उसके बाद सुयोशी बोलता है कि तुम्हारा नाम फेनरर है ना, तो तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारा नाम फेल रखता हूँ। और ये नाम उस बीस्ट बुल को भी पसंद आता है। एंड उसके बाद वर्नर का गिल्ड और सुयोशी और उनके साथ वो बीस्ट बुल फेल सभी एक साथ सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं फिनान किंगडम की तरफ। जब वो विनान किंगडम के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ लोग थे जो उनके साथ उस बीस्ट वुल्फ फेनरर को देखकर घबरा रहे थे और उनसे दूर भाग रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम बर्नर को देखते हैं जिसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सुयोशी और उस बीस्ट वुल्फ को विनान किंगडम के अंदर कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि उनका एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट है और फेल के उनके साथ होने की वजह से उनके साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी बीस्ट वुल्फ है। बात सुनकर सुयोशी अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने रेजसेगर राज्य इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं वहाँ पर उन राजतंत्रीय चीजों में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या करूँ। तभी सुयोशी के पास फेल आता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे स्वाहा कर दूंगा। एंड उसके बाद फेल बोलता है लेकिन जो चीज अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लंच कब होगा। हाँ, उसके बाद वो सभी लंच करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। एंड उसके बाद सुयोशी लंच बनाने लगता है लेकिन उस वक्त वो सोच रहा था कि जिस जंगली सुअर को बर्नर की टीम ने मारा था अब उसका मांस बहुत ही कम बचा हुआ है मेरे पास। इसी वजह से वो खाने के लिए कुछ नॉर्मल वेजिटेबल फूड बनाने लगता है। लेकिन तभी फेल सुयोशी के पास आकर बोलता है कि मुझे मीट खाना है, जिस पर सुयोशी बोलता है कि हमारे पास ज्यादा मीट नहीं है और अगर तुम इतना ही मीट खाना चाहते हो जाओ शिकार करो और मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आओ जिसे मैं खाने के लिए बना सकूं, और कहीं तुम भूले तो नहीं कि तुम्हारी वजह से हमारे पास उस सुअर का मांस बहुत कम है क्योंकि तुम लगातार उसे खाते रहे थे उस टाइम पर। सुयोशी की बात सुनकर फेल बोलता है कि ठीक है। एंड उसके बाद वह शिकार करने के लिए चला जाता है। बर्नर का गिल्ड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि सुयोशी इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट वुल्फ को ऑर्डर्स दे सकता है, जिसके बाद वो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग है। वो सभी ये बातें कर ही रहे थे लेकिन तभी फेल वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई मॉन्स्टर टाइप पक्षी ले आता है जिसे देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। एंड उस बड़े से मॉन्स्टर टाइप पक्षी को देखकर बर्नर बोलता है कि ये तो रॉक बर्ड है, एक बी रैंक मॉन्स्टर, और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी टीम ने इस रॉक बर्ड के साथ लड़ाई की होती तो हम इसे हरा पाते या नहीं। और तभी रामून बोलता है कि इस रॉक बर्ड के जो पंजे और चोंच होती है ना उनको बेचोगे तो काफी अच्छा प्राइस मिल सकता है तुम्हें। रोमान की बात सुनकर सुयोशी फेल से बोलता है कि क्या वो इस रॉक बर्ड की इन सारी कीमती चीजों को बेच सकता है। उसकी बात सुनकर फेल बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो लेकिन मेरे लिए मीट जरूर से रखना, ओके। एंड उसके बाद सुयोशी उस रॉक बर्ड के मीट को अच्छे से साफ कर लेता है। एंड उसके बाद वो उसको खाना बनाने लगता है। एंड वो ये खाना बनाते वक्त उसमें काफी सारा सॉस डालता है और कुछ मसाले, जिनकी वजह से ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। एंड उसके बाद सुयोशी उस खाने को बर्नर के गिल्ड को देने लगता है। सो तभी फेल आता है और पूछता है कि मेरा खाना कहाँ पर है। सो सुयोशी बोलता है कि तुम्हें खाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए, सो मैं पहले इन सबको खाना दे दूँ उसके बाद तुम्हारा खाना बनाऊंगा। उसके बाद सुयोशी फेल के लिए भी खाना बना देता है जिसको खाकर फेल को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वो चलते चलते विनान किंगडम के बॉर्डर पर आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो गिल्ड लीडर बर्नर होता है वो उस बॉर्डर के पास पहले जाने लगता है क्योंकि वहाँ के सोल्जर्स को पता चल गया था कि जो बीस्ट वुल्फ है वो उनके राज्य में आ रहा है। इसी वजह से बॉर्डर पे बहुत सारे सोल्जर्स आ गए थे। बाकी सारे गिल्ड मेंबर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे लीडर सबको संभाल लेंगे। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग बॉर्डर के पास आते हैं तो सोल्जर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। और जो उन सोल्जर्स का जनरल होता है वो बोलता है, मैंने सुना है कि फेनरर ने एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तुम्हारे साथ, क्या ये सच है? जिस पर सुयोशी बोलता है कि हाँ ये सच है। एंड उसके बाद वो जनरल बोलता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीस्ट वुल्फ है, अगर इसने हमारे राज्य के लोगों को कोई चोट नुकसान पहुंचाया तब। तो तभी सुयोशी बोलता है कि फेल तुम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर लेजेंडरी मॉन्स्टर हो, इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि जब तुम इस राज्य के अंदर जाओगे तो तुम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हो। सुयोशी की बात सुनकर फेल बोलता है कि मैं दूसरे मॉन्स्टर की तरह नहीं हूं जो बस फालतू में ही दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करेगा, और जब तक कोई मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब तक मैं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी तरफ जो जनरल होता है वो ये सब देखकर समझ जाता है कि हाँ फेनरर ने सच में तुम्हारे साथ एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और कुछ देर सोचने के बाद वो उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन वो सुयोशी से ये भी बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी कि फेनरर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। की बात सुनकर
सियोशी फेल से बोलता है कि फेल तुमने सही से सुना ना जनरल ने क्या कहा, और अगर तुम्हारी वजह से किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा, समझे। ये बात सुनकर फेल हैरान हो जाता है, हैरान कम परेशान ज्यादा हो जाता है, और वो सियोशी की बात मान जाता है कि वो अंदर सिटी में बिल्कुल शांत रहेगा। और तभी बर्नर भी बोलता है कि जब ये बीस्ट हमारे साथ था तब इसने हमारे किसी भी मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये काफी समझदार है। एंड उसके बाद जैसे ही वो सभी अंदर आते हैं तो एक कोई सोल्जर उन सभी से उनके गिल्ड कार्ड्स मांगता है, जिस पर सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स तो दिखा देते हैं अपना अपना कार्ड, लेकिन सियोशी के पास ऐसा कोई कार्ड ही नहीं होता। ये देखकर वो सोल्जर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गिल्ड कार्ड नहीं है तो तुम्हें कुछ सिल्वर के कॉइन्स देने होंगे, और तुम्हारे साथ तो एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट भी है किसी का, तो तुम्हें कुछ ज्यादा सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। एंड उसके बाद वो सभी सिटी के अंदर आ जाते हैं। बर्नर तभी सियोशी को बताता है कि फेनरर के राज्य में आने की जो खबर है वो उड़ते उड़ते राजा के पास भी कुछ वक्त में पहुंचने ही वाली है, जिस पर सियोशी थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि उसे उस किंगडम में ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं रुकना है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फेल और मैं उसे दोनों साथ में संभाल लेंगे। उसकी बात सुनकर जो बर्नर बोलता है कि क्या तुम एक ट्रैवलर बनना चाहते हो, तो सियोशी बोलता है कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत। एंड उस टाइम पर सियोशी सोच रहा होता है कि वो दूसरी दुनिया में आया है, एंड उसके पास ऑनलाइन ग्रोसरी है, तो वो पूरी दुनिया को घूमकर अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी का यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। सो तभी बर्नर सियोशी से बोलता है, तब तो तुम्हें एडवेंचरर्स गिल्ड या फिर मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करवा देना चाहिए अपना नाम, वरना जब भी तुम किसी नए राज्य में जाओगे तो तुम्हें हर बार आने का एंट्री टैक्स देना होगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने दिया। उसको सुनकर सियोशी बोलता है कि उसे मर्चेंट गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए क्योंकि वो फूड से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स ही बेच सकता है। लेकिन तभी विंसेंट बोलता है कि आखिर तुम उन मॉन्स्टर्स को कैसे काटोगे जिन्हें लॉर्ड फेल पकड़ कर आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े होते हैं। अगर तुम एक एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करोगे तो जो एडवेंचर्स होंगे वो तुम्हारे लिए उन मॉन्स्टर्स को काट दिया करेंगे, और की तुम्हें जरूरत नहीं होगी वो उन्हें बेच दिया करेंगे। उसकी बात सुनकर सियोशी अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि वो एक वॉरियर बनके कैसा लगेगा, एंड उसके बाद सियोशी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। सो तभी फ्रंका बोलती है कि तुम दोनों में रजिस्टर क्यों नहीं कर देते। हाँ, उसकी बात सुनकर सियोशी बोलता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो फ्रंका बोलती है सारे लोग नहीं जानते कि वो दोनों गिल्ड्स में रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। एंड उसके बाद जब वो लोग शहर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर भी एक बॉर्डर बना हुआ है, जिसकी वजह से सियोशी को वहां पर भी टैक्स देना पड़ता है। सियोशी टैक्स देकर आ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी होता है जो खुद को मार्गरेव लिंडेल का नौकर बताता है, और वो सियोशी से पूछता है कि क्या आप ही महान मुकोदा हो। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मेरे मास्टर को अभी कुछ टाइम पहले पता चला है कि आपके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फैमिलियर है, और वो आपको आज उनके यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं। उस आदमी की इस तरह की बातें सुनकर सियोशी सोचता है कि मुझे नहीं मिलना भाई उससे। सो सियोशी उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ, वो तो बड़े आदमी है, मुझ जैसे छोटे आदमी को उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो आदमी सियोशी को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, आपको चलना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ फेल आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारे मास्टर से नहीं मिलना चाहता। को इस तरीके से इतने गुस्से में बात करते हुए देखकर वो आदमी वहां से डरकर भाग जाता है। भी जो बर्नर होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है कि मार्गरेट के पास कुछ प्राइवेट सोल्जर्स हों जो तुम दोनों के ऊपर हमला कर सकते हो। विंसेंट बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो महान फेल का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे, सिर्फ एक एंशियन ड्रैगन ही महान फेल से लड़ने के लायक हो सकता है। सो ये बात सुनकर तभी फेल बोलता है मैं ऐसे ड्रैगन को 400 साल पहले हरा चुका हूँ। ये बात सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बर्नर सियोशी को एक कागज देता है जिसमें सियोशी को साइन करके बताना होता है कि बर्नर के गिल्ड ने उसे वीनान किंगडम तक पहुंचाने तक का काम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया है। एंड उसके बाद सियोशी साइन कर देता है, एंड साइन करते वक्त सियोशी सोच रहा था कि आखिर मुझे इस दुनिया की लैंग्वेज कैसे आती है, शायद से ये एबिलिटी हमें उस टाइम पर मिल गई होगी जब हमें दूसरी दुनिया से इस दुनिया में समन किया गया होगा। उसके बाद बर्नर और उसका गिल्ड सियोशी से बोलता है कि उन्हें उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और वो जो खाना बनाता था वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होता था। उसके बाद वो सभी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, और अब आगे का सफर सियोशी और फेल का होने वाला है एक दूसरे के साथ। उसके बाद सियोशी और फेल एक मार्केट में से निकल रहे थे, जहां पर फेल उससे पूछता है कि क्या तुम एक मर्चेंट बनना चाहते हो। सियोशी बताता है, सियोशी बोलता है कि हाँ, मैंने पहले तो यही सोचा था, लेकिन अब मैं एक एडवेंचरर गिल्ड में भी रजिस्टर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना होगा, समझे।
योशी की बात सुनकर फेल बोलता है, अगर तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओगे तो तुम शिकार की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं जितना चाहे उतना शिकार कर दिया करूंगा। एंड उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जो होता है मर्चेंट गिल। एंड वहां पर जितने भी लोग थे वो एक बीस्ट वुल्फ को देखकर बहुत ज्यादा वहां पर हैरान थे, घबराए हुए थे। उसके बाद योशी एक लड़की से बोलता है कि वो एक मर्चेंट के रूप में रजिस्टर करना चाहता है। उसके बाद वो लड़की मर्चेंट गिल्ड के सारे नियम कानून बताने लगती है कि जो मर्चेंट गिल्ड होता है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी राज्य से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता है। मर्चेंट गिल्ड में 5 रैंक होती हैं और आपका जो बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक तय की जाती है। वो लड़की सुयोशी से पूछती है कि आखिर आप किस तरह के मर्चेंट बनना चाहते हैं। सुयोशी बोलता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बनना चाहता हूँ। सुयोशी की बात सुनकर वो लड़की बोलती है, तो आपके लिए सबसे लोएस्ट रैंक आयरन सही रहेगी। उसके बाद वो लड़की सुयोशी को उसका गिल्ड कार्ड दे देती है। अपने कार्ड को लेने के बाद सुयोशी उस लड़की से पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ पर चीजें भी खरीदते हो। वो लड़की बोलती है कि हाँ, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम बेचना चाहते हो। सो उसके बाद सुयोशी बोलता है, तो ठीक है, मैं अपना सामान कल लाऊंगा यहाँ पर बेचने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और सुयोशी फेल को एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कमरों के अंदर नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा। सुयोशी की बात सुनकर फेल बोलता है कि मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा भूखा हो गया हूँ। सो उसके बाद सुयोशी बोलता है कि हाँ, आज हमने लंच नहीं किया, तो ठीक है, मैं डिनर बना ही लेता हूँ अब। एंड उसके बाद सुयोशी मीट को अच्छे से काट लेता है, लेकिन सुयोशी सोच रहा था कि सच में मैं चावल खाना चाहता हूँ, मैंने बहुत टाइम से चावल नहीं खाए। उसके बाद वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी में चावल को ढूंढने लगता है कि क्या मेरे पास चावल है। उसके बाद सुयोशी अपने सारे के सारे आइटम्स जो भी उसे चाहिए थे उन्हें डिलीवर कर लेता है। एंड उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड उसके बाद सुयोशी उस मीट में सॉस भी डालता है। एंड उसके बाद जब फेल उस खाने को खाता है तो उसे वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो और भी खाना चाहता है। एंड जब अगली बार फेल वो खाना खाता है तब उसे टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि इस बार सुयोशी ने दूसरी तरह का सॉस डाला हुआ है उसमें। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोशी को खाना बनाते बनाते रात हो जाती है। एंड उसके बाद सुयोशी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने जो चावल बनाए हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। एंड उसके बाद सुयोशी अपने लिए भी चावल की डिश बनाता है जो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फेल सुयोशी को इतनी खुशी के साथ खाना खाते हुए देखता है, सो वो बोलता है कि जो तुम खा रहे हो वो मुझे भी खिलाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम सुयोशी को उसके कमरे में देखते हैं जो हाँ उसने किराए पर लिया है। एंड वो मस्त अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया, आज मैंने मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर कर दिया और इस बॉर्डर पर भी आया दूसरी कंट्री के। उसके बाद सुयोशी मस्त आराम से सो जाता है। एंड उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोशी उसी मर्चेंट गिल्ड में अपना कुछ सामान बेचने के लिए आया था। जब वो लड़की सुयोशी का थैला खोलकर उस सामान को देखती है तो वो तुरंत ही अपने अंदर वाले कमरे में चली जाती है दौड़कर, और कुछ देर बाद वो आती है, सुबह बोलती है कि कृपया आप अंदर जाएंगे। उसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो सुयोशी का लाया हुआ सामान चेक कर रहा होता है। एंड वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं कई सालों से एक गिल्ड मास्टर रहा हूँ और इतनी अच्छी क्वालिटी का नमक और मसाले मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे, इसीलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो पूछता है कि आपने इतनी अच्छी क्वालिटी का ये माल कहाँ से खरीदा। सुयोशी बताने लगता है कि ये मैंने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी से खरीदा है जिसका क्वालिटी का माल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ये सब सोच रहा था, वो असलियत में बताता है कि जब मैं सफर कर रहा था उसी दौरान मुझे ये मिल गया। उसकी बात सुनकर वो मर्चेंट बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आखिर कोई शख्स अपने सारे के सारे सीक्रेट्स थोड़ी किसी को बता देगा। उसके बाद वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैं आपके इस नमक और मसालों को गोल्ड कॉइन देकर खरीदना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सुयोशी सोचने लगता है कि उसने तो ये सारी चीजें बहुत ही सस्ते में खरीदी हैं और उसे तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। एंड सुयोशी को इस तरीके से सोचते हुए देखकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैं जानता था कि ये कीमत बहुत कम है। उसके बाद वो बोलता है कि 15 गोल्ड कॉइंस। सुयोशी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या इतना ज्यादा, लेकिन सुयोशी का एक्सप्रेशन देखकर वो गिल्ड मास्टर सोचता है कि ये प्राइस अभी बहुत कम है, इसीलिए वो प्राइस बढ़ाता जाता है। उसके बाद वो प्राइस 17 गोल्ड कॉइंस तक कर देता है। एंड उसके बाद सुयोशी सोच रहा था कि मैंने ये चीजें बस 10 कॉपर के कॉइन में खरीदी थी, लेकिन मुझे इनके बदले में 17 गोल्ड कॉइंस मिल गए। उसके बाद सुयोशी अपने पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। उसके बाद सुयोशी एक एडवेंचर गिल्ड में आता है जहां पर आया हुआ होता एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर वो एक लड़की से बोलता है कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। उसके बाद वो लड़की सुयोशी को एक कागज देती है और बोलती है कि इसको भर दो। उसके बाद सुयोशी उस कागज को भर देता है एंड वो लड़की सुयोशी को एक कार्ड देती है जिस पर उसे अपना खून लगाना होता है। एंड अपना खून लगाने के बाद सुयोशी रजिस्टर हो जाता है। उसकी जो रैंक होती है वो बहुत ही लो होती है, जी रैंक, और वो एफ रैंक के
ही पार कर सकता है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो सुयोशी उसे इस तरीके से देखकर बोलता है कि क्या तुम मुझे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हो कि क्या किस तरीके से होता है यहाँ। सो वो लड़की बोलती है कि फर्स्ट लेवल पर एस रैंक होती है, उसके बाद ए से लेकर जी तक, और जो जी रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं उन्हें महीने में कम से कम एक क्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें कोई भी काम करते वक्त अगर चोटें लग जाती हैं तो वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुयोशी सोचता है कि सच में एडवेंचरर्स पूरी तरीके से अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद सुयोशी एक बोर्ड के सामने आता है जहाँ पर सारे के सारे क्वेस्ट होते हैं। वहाँ पर ढूंढने लगता है कि आखिर उसे जी रैंक का कौन सा क्वेस्ट मिल सकता है। उसके बाद उसे एक ऐसा क्वेस्ट या मिशन मिलता है जिसे वो कर सकता है, एंड उसके बाद वो उस पर्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो सुयोशी फेल के पास आ जाता है जहाँ पर फेल बोलता है कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद सुयोशी खाना बनाने लगता है, एंड उसके बाद जो फेल होता है वो सुयोशी का बना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना खाने लगता है। और फेल को खाना खाते हुए देख सुयोशी सोच रहा था कि इसमें तो एक ऐसा सॉस डला हुआ है जो बिल्ली और कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। एंड उसके बाद वो फेल का जो स्टेटस है उसे चेक करता है। सो फेल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है सुयोशी के हाथ का खाना खाकर। एंड ये देखकर सुयोशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। की शुरुआत में हम सुयोशी को देखते हैं जो कि एक नए दिन की शुरुआत के साथ काफी अच्छा महसूस कर रहा था, और वो बोल रहा था कि आज का दिन काफी अच्छा रहेगा औषधियाँ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टास्क है और अगर मैंने इस टास्क को वक्त रहते कंप्लीट नहीं किया तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन फीस में पैसे लगे हैं वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। सुयोशी ये सब सोच ही रहा था लेकिन तभी सुयोशी के पास फैल आता है और बोलता है कि जितने भी मिशंस या फिर ये फालतू की चीजें हैं ना, इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खाना है मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि तुम्हारा पेट या ब्लैक होल कभी भरता ही नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और अगले सीन में सुयोशी और फेल वो दोनों उस पहाड़ी पर आ जाते हैं जहाँ पर से उन्हें औषधियाँ इकट्ठा करनी है। उसके बाद सुयोशी फेल से बोलता है कि मैं औषधियाँ इकट्ठा करने चले जाता हूँ और तुम शिकार करने के लिए चले जाओ। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जो फेल होता है वो सुयोशी के ऊपर अपनी एक शील्ड लगा देता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स प्रेजेंस हो रहे होते हैं। उसके बाद सुयोशी अपने मिशन को देखकर एक बहुत ही ज्यादा बड़े मैदान में अपनी उसी औषधि को ढूंढने लगता है जिसका नाम की आरू ग्रास है। और सुयोशी के पास ये एबिलिटी भी है कि वो देखकर ही बता देता है कि ये किस टाइप की घास है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ गेहूं ही लगा हुआ है, लेकिन तभी अचानक उसे की आरू ग्रास दिख जाती है एंड वो उसे तोड़ लेता है। लेकिन उसके बाद उसे आसानी से बहुत सारी की आरू ग्रास मिल जाती है एंड वो अपना ये मिशन बहुत ही जल्दी कम्प्लीट भी कर लेता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद सुयोशी लंच बनाने लगता है एंड उसके बाद सुयोशी कुछ मीट कैंस और कुछ पास्ता ऑर्डर कर लेता है क्योंकि उनके पास मॉन्स्टर मीट खत्म हो गया है और वो अब सस्ती सस्ती चीजें ही खरीदेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसके बाद सारा खाना बनाने के लिए सारा का सारा इंग्रेडिएंट आ जाता है। उसके बाद वो अपने खाने में काफी सारा मीट सॉस भी डालता है जिससे खाने का टेस्ट मजा आ जाए। सुयोशी ये सब कर ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर फैल आता है जो कि एक और रॉक बर्ड को मारकर आ गया था। ये देखकर सुयोशी हैरान हो जाता है। उसके बाद फेल बोलता है कि मैंने कई सारे शिकार किए हैं लेकिन मैं उन सभी को एक साथ यहाँ पर नहीं ला सकता। सो सुयोशी बोलता है कि हम उन्हें बाद में जाकर ले लेंगे। उसके बाद सुयोशी फिर से अपना खाना बनाने लगता है। उसके बाद सुयोशी खाना बना लेता है लेकिन वो अपने खाने के स्वाद में चार चांद लगाने के लिए कुछ पारमेसान चीज भी ऑर्डर कर लेता है जिससे उसके लंच का जो स्वाद है वो भैया मजा आ जाता है। खाना बनकर तैयार, पहले तो फेल इस खाने को अच्छे से देखता है कि ये है क्या, लेकिन जब वो उस खाने को खाता है तो उसे ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद सुयोशी भी अपना खाना खाने लगता है एंड वो दोनों मस्त अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सुयोशी होता है वो फेल का पूरा भिड़ा हुआ मुंह देखकर उस पर हंसने लगता है, लेकिन उन दोनों के खुशी के मूवमेंट सभी खत्म हो जाते हैं जब सुयोशी देखता है कि फेल ने बहुत सारे शिकार किए हुए हैं। सुयोशी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स टाइप क्रिएचर्स होते हैं। उसके बाद सुयोशी बाकी की सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है एंड कुछ देर बाद वो फेल से पूछता है कि फेल क्या तुम इसे भी खाने वाले हो, वहाँ पर एक ऑर्क डला होता है। एंड उसके बाद सुयोशी सोच लगता है कि क्या सच में हम इस ऑर्क को खा सकते हैं। सो तभी फेल बोलता है कि हाँ हम खा सकते हैं, जो इंसान है वो काफी टाइम से ऑर्क का मांस खाते आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुयोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बेचारा थोड़ा घबराया हुआ भी होता है। उसके बाद सुयोशी उन सारे के सारे क्रिएचर्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और सुयोशी बोलता है कि अब हम जल्दी से टाउन के पास चलना चाहिए। सो तभी फेल सुयोशी से बोलता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ जिससे हम बहुत जल्दी टाउन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुयोशी बैठ जाता है। पहले सुयोशी को थोड़ा मजा आता है लेकिन उसके बाद सुयोशी को डर लगने लगता है क्योंकि फेल बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। एंड उसके बाद कुछ ही मिनटों में वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर टाउन में आए होते हैं वो एडवेंचरस गिल्ड में। लेकिन सुयोशी बेचारा बहुत ज्यादा थक गया होता है डर की वजह से क्योंकि फेल है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में दौड़ रहा था।
एंड सुयोशी बोलता है कि अगर मैं मर गया होता वहाँ पर तो। सुफेल बोलता है कि अगर मर गया होता तो इसमें तुम्हारी गलती होती ना कि मेरी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। सो तभी सुयोशी बोलता है कि अगर मैं मर गया होता तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना कभी खाने को नहीं मिलता, समझ गए। उसकी बात सुनकर फेल भी थोड़ा घबरा जाता है कि अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके बाद सुयोशी एडवेंचरस गिल्ड में आया होता है अपना मिशन कम्प्लीट करवाने का बताने के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे कियारू ग्रास इकट्ठा कर ली है। उसके बाद वो लड़की सुयोशी से कुछ देर बात करने के बाद उसे कुछ सिल्वर के और कुछ कॉपर के कॉइन्स देती है। उसके बाद सुयोशी बोलता है कि मेरे पास कुछ क्रिएचर जैसे ऑर्क हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ पर भेज सकता हूँ। सो वो लड़की सुयोशी की तरफ देखती है। सो सुयोशी बोलता है कि अरे मच्चा, मैंने उसे नहीं मारा है, बल्कि मेरा एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर उसने उसे मारा है। जैसे ही वो लड़की फेल को देखती है वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है, एंड उसके बाद वो फिर से पहले नॉर्मल जैसे बात करने लगती है। लेकिन सुयोशी सोच रहा होता है कि अभी अभी मैंने देखा कि भैया इसका दिल तो कुछ देर के लिए पिघल गया था। तभी वहाँ पर एक और आदमी होता है जो सुयोशी से पूछता है कि क्या तुम स्टार क्रिएचर्स के पार्ट्स बेचने के लिए आए हो। सो सुयोशी बोलता है हाँ। उसके बाद वो आदमी सुयोशी को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर सुयोशी उन सारे मॉन्स्टर्स को निकालता है जिनका शिकार फेल ने किया था। उन्हें देखकर वो जो आदमी था ना, जो कि एक कसाई है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, इतने सारे मॉन्स्टर्स। एंड उन मॉन्स्टर्स में कुछ ए रैंक मॉन्स्टर्स भी थे। उसके बाद सुयोशी उस आदमी से पूछता है कि क्या ये सारे मॉन्स्टर्स खाने योग्य हैं। सो वो आदमी बोलता है बिल्कुल। उसके बाद सुयोशी बोलता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स का मांस चाहिए, बाकी के इनके जो अदर्स पार्ट है ना वो मैं गिल्ड में बेचने के लिए तैयार हूँ। इतने सारे मॉन्स्टर्स होने की वजह से वो आदमी कहता है कि ठीक है तो तुम कल आना, इन सब का मीट काट कर मैं तुम्हें दे दूंगा। सो सुयोशी उस आदमी से कहता है कि मुझे आज के लिए इनमें से किसी एक मॉन्स्टर्स का मीट मिल सकता है। सो वो आदमी बोलता है कि ऑर्क का मीट कैसा रहेगा। सो सुयोशी तो घबराता है, लेकिन जो फेल होता है वो बोलता है कि ठीक है। उसके कुछ मिनटों में ही वो आदमी उस ऑर्क का मीट बड़े ही आराम से काट देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं सुयोशी उस मीट को अपने साथ लेकर आ गया था। वो उसे देख रहा था कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो इसे फेंकना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसका पकाने के लिए तैयार हो जाता है। सुयोशी सारे के सारे मसाले और जितनी भी चीजें उसे इस ऑर्क मीट बनाने में चाहिए वो वहाँ पर अपने पास ऑर्डर कर लेता है। उसके बाद सुयोशी उस ऑर्क मीट को काट लेता है। उसके बाद में उसमें कुछ मसाले डालता है। उसके बाद वो उस मीट को पकाने लगता है। उसके बाद सुयोशी उसमें कुछ मीट सॉस भी डाल देता है। एंड उसके बाद ऑर्क मीट द्वारा बनाया गया खाना तैयार हो जाता है। जब फेल उस मीट को खाता है तो उसे भैया बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब सुयोशी उस मीट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तब वो सोचता है कि अरे भैया ये तो ऑर्क मीट है। लेकिन वो फेल को देखता है कि वो तो बड़े आराम से खा रहा है, तो वो भी उसे जब खाता है तो उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। ऑर्क मीट ना बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और तभी सुयोशी एक डायलॉग बोलता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें किसी चीज को देखकर ये नहीं बताना चाहिए कि वो कैसी होगी जब तक हम उसे ट्राई ना कर लें। एंड उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुयोशी अपना मीट लेने के लिए उसी कसाई के पास आया हुआ था। उसके बाद वो कसाई दिखाता है कि उसने सारे के सारे मांस को काट दिया है। एंड वो कसाई सुयोशी को वो पैसे भी देता है जो उन सारे मॉन्स्टर्स के पार्ट थे ना वो बेचकर उसे मिले हैं, जो कि 202 गोल्ड कॉइंस हैं। उसके बाद वो आदमी बताता है कि जो भी इन मॉन्स्टर्स के पार्ट थे ना, जैसे कि सींग, दांत, चोंच, इनसे बहुत सारे अच्छे वेपन्स और कई तरह के क्राफ्ट्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद वो आदमी सुयोशी को कुछ मैजिक स्टोन्स भी देता है और वो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स ए रैंक या इससे ऊंचे वाले रैंक के होते हैं उनके पास मैजिक स्टोन्स होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में मैजिक स्टोन्स निकलते हैं। उसके बाद वो आदमी फेल को देखकर बोलता है कि सच में तुम्हारा फैमिलियर कॉन्टैक्ट तो एक ग्रेट वुल्फ है। एंड उसके बाद वो आदमी बताता है कि कई गांवों में ऐसी अफवाहें चलती हैं कि एक महान ग्रेट वुल्फ है जो कि एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है, और इसे देखकर लगता है कि ये वही लेजेंडरी ग्रेट वुल्फ है। उसके बाद सुयोशी और फेल अपना सारा का सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सुयोशी सोच रहा था कि मैंने गिल्ड में भी रजिस्टर कर दिया है और मैंने कुछ पैसे भी कमा लिए हैं, तो मुझे इस जगह पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना चाहिए। एंड वो फेल से भी यही बात बोलता है कि हमें एक जगह पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए, इसी वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके ये टाउन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सुनकर फेल बोलता है कि ठीक है, मैं कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे भूखा मत रखना। उसकी बात सुनकर फेल बोलता है कि तुम सच में एक बहुत बड़े भुक्कड़ हो। उसके बाद वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। सो वो लोग एक खंडर जैसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो अपना रात का कैंप लगाते हैं। एंड उसके बाद सुयोशी वहाँ पर डिनर भी बनाने लगता है। उसके कुछ देर बाद सुयोशी फेल से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तो चलो आज हम पार्टी करते हैं। उसके बाद सुयोशी अपने ऑनलाइन ग्रोसरी निकाल लेता है। उसके बाद सुयोशी फेल से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहते हो। फेल बोलता है कि मुझे दूसरी दुनिया का मीट खाना है। उसके बाद सुयोशी चेक करने लगता है कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए, और इतना सारा खाना देखकर फेल के मुंह में तो पानी आ जाता है, पानी नहीं उसके मुंह से तो बारिश होने लगती है, बारिश। उसके बाद सुयोशी अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को ऑर्डर कर लेता है। उसके बाद सुयोशी जो खाना उसने ऑर्डर किया था बना बनाया हुआ वो सब एक प्लेट में रखकर फेल को दे देता है। उसके बाद फेल उस खाने पर टूट पड़ता है एंड उसे वो खाना बहुत ज्यादा
डिलीशियस लग रहा होता है और उस खाने में काफी सारा सॉस भी होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जूसी लग रहा होता है। एंड दूसरी तरफ सुयोशी एक मेन डिश भी बना रहा होता है, ब्लैक वाग्यू स्टीक। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुयोशी फेल को वो अपना मेन आइटम खिलाता है जो उसने बनाया है, लेकिन फेल उसे देखकर कुछ ज्यादा खास खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम है। सो सुयोशी उसे बताता है कि ये मीट किसी मॉन्स्टर मीट की तरह नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, 2 सिल्वर कॉइन से खरीदा है, सिर्फ 250 ग्राम। उसके बाद जब फेल उस मीट को अपने मुंह में डालता है तभी वो बिल्कुल भैया हिल सा जाता है, उसे ये खाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सो उसके बाद सुयोशी उसे बताता है ये मीट कोई मामूली मीट नहीं है, पहले कुछ जानवरों को पाला जाता है ताकि बाद में उनका मीट खाने को मिले। सो फेल उसकी बात सुनकर बोलता है कि क्या तुम्हारी दुनिया में लोग मीट के लिए पहले जानवरों को पालते हैं। सो सुयोशी उससे हैरान होकर पूछता है कि क्या इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। सो फेल बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स हैं, उन्हें ही मीट के लिए मार लिया करते हैं लोग, लेकिन इसे पालते नहीं हैं। एंड उसके बाद फेल और भी ऐसा ही खाना खाने लगता है एंड उसे खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी दुनिया का खाना ना सबसे ज्यादा डिलीशियस होता है, मजा आ गया। उसके बाद सुयोशी भी अपना खाना खाने लगता है एंड वो दोनों अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद उन दोनों को खाना खाते खाते रात हो जाती है। उसके बाद हम फेल को देखते हैं जिसे सुयोशी की दुनिया का खाना खाकर काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा होता है एंड वो फेल को बताता है कि अभी वो जितना पावरफुल फील कर रहा है ना इतने में तो उस एंशियंट ड्रैगन को बड़े ही आराम से हरा देता है जिससे वो एक बार लड़ा था। सो उसकी बात सुनकर जो सुयोशी होता है वो उसका जो डाटा है उसे चेक करने लगता है कि आखिर इसका लेवल कितना है। उसके बाद जब सुयोशी उसका लेवल देखता है तो भैया इतना ज्यादा उसका लेवल बढ़ रहा होता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। सुयोशी का दुनिया का खाना खाकर ही उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा होता है। एंड उसके बाद फेल बोलता है कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। सो सुयोशी बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर अकेला होऊंगा, देखो रात हो गई है। सो तभी जो फेल है वो उसे अपना वही मैजिक शील्ड दिखाता है जो उसने सुयोशी के ऊपर लगाई है एंड फेल बताता है कि ये मेरा बैरियर कोई भी मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है। उसके बाद फेल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुयोशी अकेला सोच रहा होता है कि वो अभी जल्दी वापस तो नहीं आने वाला, सो मुझे अपना बिस्तर लगा लेना चाहिए और मस्त सो जाना चाहिए। उसके बाद सुयोशी मस्त आराम से दूसरी दुनिया में अपने फूटान पर सो रहा होता है। उसके बाद सुयोशी मस्त आराम से सो जाता है और यहीं पर सीन बदलता है, हमें फेल दिखाया जाता है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है। उसे अपने रास्ते में एक रॉक बर्ड मिलती है जिसे वो बड़े ही आराम से हरा देता है। उसके बाद उसे एक पहाड़ पर एक और बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, सो उसे भी फेल बड़े आराम से हरा देता है। उसके बाद उसे बहुत सारे ऑर्क्स दिखते हैं जिन्हें फेल तूफानी हवाओं में उड़ा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उन सारे ऑर्क्स का लीडर आ जाता है जो कि बाकी सारे ऑर्क्स से काफी ज्यादा पावरफुल था। जब वो फेल पर अटैक करता है तो फेल उसके अटैक से बड़े ही आराम से बच जाता है, लेकिन वो ऑर्क जनरल इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता और वो फेल के एक ही अटैक से मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। इसके 3 सिर होते हैं, सॉरी 3 नहीं 4, एक दिख नहीं रहा था यार। उसके बाद जो फेल होता है वो उस मॉन्स्टर पर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है एंड उसकी पावर से वो मॉन्स्टर नहीं बच पाता। उसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और जब सुयोशी देखता है कि फेल ने फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। एंड उसके बाद सुयोशी सोचता है कि इसे इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट उस जैपनीज ब्लैक वाग्यू बीफ मीट को खाने की वजह से हुई है, अब वो हमारे मेन मेन्यू में से हटा, यानी कि अब फेल को ब्लैक वाग्यू बीफ मीट खाने को नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।